खासतौर पर बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो कि 2025 में प्रस्तावित है पाकिस्तान में होना। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि वे अगले साल होने वाली इस प्रतियोगिता के देश से बाहर आयोजन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था, दुबई में आईसीसी की बैठक के दौरान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह से उनकी बात भी हुई थी, भारत दौरा नहीं करेगा तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर होगा? नकवी ने कहा, हाँ हमने थोड़ी के देर के लिए बातचीत की थी, लेकिन उसका ब्यौरा देना बुद्धिमानीपूर्ण नहीं होगा। ये इस तरह के नकवी के बयान थे जो सामने आए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर ये टूर्नामेंट किसी अन्य देश में आयोजित किया जाएगा तो उस बारे में उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट को किसी अन्य देश में आयोजित करने के बारे में वो सोच भी नहीं रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। अब सबसे बड़ा अहम सवाल ये उठता है इस सबके ऊपर कि क्या वाकई में पाकिस्तान जो है वो तैयार है? क्या वाकई ही पाकिस्तान जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर सकता है? क्या उसके पास वो क्षमता है? क्या उसके पास वो स्टेडियम्स हैं? क्या उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे हमारे पैनलिस्ट जो है दीपक कंबोज हमारे साथ जो है वो जुड़ गए। दीपक, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का इतना बड़ा बयान सामने आना, क्या वो बड़बोलापन है या उसकी बौखलाहट? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी बात करें तो जैसे कि अभी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज होना है 2025 में, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में इस बार भारतीय टीम है जो वो हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। और कहीं ना कहीं बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास वो इक्विपमेंट्स, वो फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, वो पाकिस्तान बोर्ड को क्लियर करना होगा आईसीसी को, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कि श्रीलंका की टीम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था कि श्रीलंका में जो एक वो एक एक्सीडेंट हुआ था एक टेररिज्म वाला, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के पास वो सुविधाएं हैं कि खिलाड़ी वहां पे जाके सेफली खेल पाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ी और भारतीय कोचेस जो मैनेजमेंट है उनके माइंड में भी जरूर रहता है कि पाकिस्तान इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो बड़ा सवाल है। तो ये मैनेजमेंट को, पीसीबी की मैनेजमेंट को ये जरूर आईसीसी को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए कि कैसे उस चीज के बारे में वो उस चीज को अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो पॉलिटिक्स के बेस पे भी देखा जाता है दोनों पाकिस्तान और भारतीय टीम को कि भारतीय टीम जिस तरीके से इसको क्लियर करेगी, क्लैरिफाई करेगी कि वो इस बार आईसीसी की जो ये चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रही है, तो उसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल दीपक सर, इन सब के बीच में एक चीज ये भी आती है कि जिस तरीके से आईसीसी के सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, ये मिनी वर्ल्ड कप के नाम से ये जाना जाता है टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में होना है 2025, बहुत देर से अटकलें लगाई जा रही थी जिस तरीके से कि पाकिस्तान में हो भी पाएगा। मैं अभी बात नहीं करूंगा कि भारत वहां पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले अहम सवाल यही रहता है कि क्या जिस तरह से उन्होंने नकवी का बयान था कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान में ही होगा, क्या वो स्टेडियम्स आज के दौर में पाकिस्तान के पास तैयार हैं जहां पर वो इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करवा सकता है? देखिए, ये तो पीसीबी को ही क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी के पास में सबसे बड़ी बात, कभी भी कोई इतनी बड़ी आईसीसी की प्रतियोगिता होती है तो सबसे पहले उनके बोर्ड को क्लियर कर देना चाहिए कि वो उस चीज के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। और रही बात जैसे मैंने श्रीलंका की बात करी, श्रीलंका को उन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था तब, तो खिलाड़ियों के माइंड में वो चीजें भी रहती हैं, जब ऐसी घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम दोबारा उन खिलाड़ियों के साथ ना हो, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट, वो बोर्ड कंट्री के, वो जरूर इन चीजों पर जरूर ध्यान देते हैं कि कहीं ना कहीं अगर रिपीट होता है ऐसी चीज, मैं नहीं चाहता खुदा ना खास्ता ऐसी कोई घटना हो, बट ये चीजें पीसीबी को क्लियर कर देनी चाहिए कि ऐसी घटना कोई आगे जाके ना हो, ताकि खिलाड़ी जो है, देखिए खेल है, खेल किसी भी कंट्री में खेला जा सकता है, और पाकिस्तान के भी वो नहीं है, तो ये चीजों पर पीसीबी को क्लियर कर देना चाहिए कि वहां पे वो जो इवेंट है आईसीसी का, बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियों की टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और एक चैंपियन टीम निकल के आती है, तो पीसीबी को इस चीज के लिए ध्यान देना चाहिए
कि वो इस बार इस ट्रॉफी को करवाने के लिए रेडी है या नहीं है, उसके बारे में काफी बड़ी चर्चा हो सकती है आगे तक। दीपक, जिस तरीके से हाल ही में आईसीसी के कुछ मेंबर्स ने पाकिस्तान का दौरा भी किया था, जी तो वहां पर कुछ निकल कर कुछ खास सामने आया नहीं है, और कुछ अगर हम अटकलें लगाएं ऐसी कि वहां के जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वहां पे जो कुछ वहां के जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं, उन्होंने काफी पाकिस्तान की जिस तरीके से फजीहत की थी कि वहां पर स्टेडियम्स नहीं हैं, वहां पर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुर्सियां टूटी हुई हैं, कुछ इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कथित तौर पर। तो क्या लगता है कि वाकई में जो आईसीसी मेंबर्स हैं वो उसका संज्ञान लेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे पीसीबी की तरफ से जो चीजें आ रही हैं और वो जो फैसिलिटी है वो ग्राउंड की भी रहती है, क्योंकि ग्राउंड जो है पाकिस्तान में कुछ ही ग्राउंड हैं, तो उन चीजों को लेके वो इवेंट्स वहां पे ऑर्गेनाइज हो सकता है इतने बड़े लेवल पे या नहीं हो सकता। और रही बात है जैसे अभी पाकिस्तान की जो लीग होती है वो भी अच्छे लेवल पे जरूर आ रही है, बट जैसे हमारे बीसीसीआई की तरफ से जो आईपीएल खेला जाता है, आईपीएल में बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज होती है और फॉरनर खेलते हैं इंडिया में आते हैं, और फॉरनर जो खिलाड़ी हैं जो बाहर के खिलाड़ी हैं वो आकर यहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं या जहाँ की जितनी भी सीरीज होती है, आईपीएल एक बड़ा इवेंट रहता है, तो जहाँ पर जाकर खेलते हैं तो वो फ्री माइंडेड आके इंडिया में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और आज आईपीएल जो है वो वर्ल्ड वाइड बड़ी लीग बन चुकी है, तो ऐसे ही पाकिस्तान में अभी तक वो चीजें नहीं है जो एक इंडिया में है, या अदर कंट्रियों में भी देखा जाए तो काफी बड़ी बड़ी लीग होती है, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज होती है, तो जी अभी तक पाकिस्तान की तरफ से हमें देखने को ऐसा नहीं मिला कि वो फैसिलिटी वहां पर है जो होनी चाहिए आईसीसी के लेवल पे। जी रुक करूंगा, हमारे साथ हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। प्रदीप टंडन जी, स्वागत है आपका। आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा प्रदीप जी, जिस तरीके से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में प्रस्तावित है पाकिस्तान में, तो क्या लगता है कि वाकई ही पाकिस्तान इस ट्रॉफी को करवाने के लिए, इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है? देखिए अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो वो बिल्कुल सही बात है। वैसे तो वहां भी पीएसएल हुई है, पाकिस्तान सुपर लीग अभी होकर चुकी है, दुनिया भर के खिलाड़ी वहां खेल कर गए हैं, लेकिन वहां इतने बड़े और इतने अच्छे ग्राउंड्स नहीं है जो कि इतने बड़े चैंपियनशिप लीग चैंपियनशिप टूर्नामेंट को कराने के लिए लायक हो। दूसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वहां सुरक्षा को लेकर जो परेशानी है उस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये नॉकआउट टूर्नामेंट होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट में इतनी बड़ी परेशानी, इतना बड़ा लंबा नहीं खींचेगा, इतने ज्यादा मैचेस नहीं होंगे, इतने ज्यादा सेंटर्स की जरूरत नहीं होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा परेशानी सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर वाली वहां पर रहने वाली है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा परेशानी होगी बाकी टीम्स को, बाकी देशों को। यहाँ पर बात अटक सकती है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भले ही इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं है जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में या इंडिया में है या साउथ अफ्रीका में है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं टेररिज्म को लेकर, वो परेशान करने वाले होंगे। वहां पाकिस्तान को ये साबित करना होगा कि वो कैपेबल है इस टूर्नामेंट को हैंडल करने के। जी बिल्कुल प्रदीप जी, एक बात और जानना चाहूँगा। जिस तरीके से हम ये बात मानते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है, और जिस तरीके से हमने देखा है हाल ही में न्यूजीलैंड जो है दौरा करेगी पाकिस्तान का, और उससे पहले उन्होंने अपने सदस्य वहाँ भेजे थे सिक्योरिटी सिनेरियो वहाँ पर चेक करने के लिए कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब इंडिया में किसी ने दौरा करना होता है किसी भी टीम ने, तो वो उनका कोई सदस्य इंडिया के देखता नहीं है, पर पाकिस्तान में ऐसा देखने को मिल रहा है। और इन सबके बीच में जब वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात आती है कि वो उसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है, और खासतौर पर मोहसिन नकवी जो है वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान हर परिस्थिति के लिए तैयार है, और भारत के आने या नहीं आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे हैं ऐसा कि पाकिस्तान से बाहर ये टूर्नामेंट जो है वो करवाया जाएगा। नहीं, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि भारत के ना आने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में, आईसीसी द्वारा आयोजित किसी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग नहीं लेगा, तो उसका वैसे ही सारा चार्म खत्म हो जाता है, उस चैंपियनशिप का सारा चार्म खत्म हो जाता है। तो ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर भारत आए चाहे ना आए हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखेंगे कि उनके जो जो टीवी राइट्स हैं वही आधे
आधी कीमत रह जाएगी, जो उनके स्टेडियम्स हैं उनमें भी सीट्स उनके टिकट नहीं बिकेंगे, तो वो इस बात का महत्व शायद समझ नहीं रहे या समझ के भी उसको अनदेखा करना चाह रहे हैं, भारत के महत्व को कम करना चाह रहे हैं। आज की तारीख में भारत इतना बड़ा सुपर पावर है क्रिकेट के क्षेत्र में कि भारत के हिसाब से आईसीसी चलती है, ये बात तो सब जानते हैं। बिल्कुल, तो ये उनका कहना सही नहीं है, और उन्हें अगर ऐसा गलतफहमी है तो वो ये समझिए कि चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है फ्लॉप टूर्नामेंट हो जाएगी। और रुख करेंगे हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट आबिद पठान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबिद, आपसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 प्रस्तावित पाकिस्तान में, तो जिस तरह की वहां पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स कुछ अपने वीडियोस बनाते हुए नजर आ रहे हैं और काफी फजीहत करते हुए नजर आए हैं वहां पाकिस्तान के स्टेडियम्स की, आपकी इस पे क्या राय है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि अभी जो भारत का पलड़ा भारी है दुनियाई एतबार के क्रिकेट के हवाले से, मैं काफी मतलब शुक्रगुजार हूँ जो हमारा बीसीसीआई वर्क कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है ये चैलेंज जो है ना बड़े बड़े देशों के लिए है जो क्रिकेट को अभी ये समझते हैं कि काफी आसान है। अभी पाकिस्तान के लिए ये सेटअप नहीं हो रहा कि उनका कैप्टन कौन है कौन सा नहीं है, वो चीज पहले उनके लिए बड़ी बात है। थ्री मंथ्स में उनके तीन कोच बदले, तीन एसोसिएशन बदले, और साथ साथ अब तो कैप्टनशिप का कल से जो खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, एक बाबर आजम को कब ले रहे, कैप्टनशिप कब ले रहे, ये भी तो स्टेडियम की तो दूर की बात है, अभी तो उनके पास है ही नहीं। अभी जो कंट्रोवर्शियल वहां पे है उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे बीइंग एज अ नो क्रिकेट लवर मैं यही कहना चाहूंगा, मैं विश करूंगा कि अगर उनको सपोर्ट चाहिए अभी हमारे देश से वो बड़ा उनके लिए अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम मुझे लगता है कि ऑनेस्टली कहता हूँ बिकॉज स्पोर्ट्स वैल्यू जो है ना उनने रखा ही नहीं, अपने जितने भी उनके ट्रू स्टार्स थे हमारी नेशन ने ऑलवेज उनको बड़ा सपोर्ट किया है स्पोर्ट्स के एतबार से, चाहे वो अवार्डिंग सेरेमनी या कभी बड़े बड़े लीग्स में यहाँ पे बुलाया। अब रही बात चैंपियंस के हवाले से, चैंपियंस लीग जो है ना ये एक ऐसी लीग है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी जरूरत है, मुझे लगता है समहाउ काफी वीक है अभी जो नेशन उनका। अभी 10 से 11 महीने सिर्फ बचे हुए हैं कि जब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो जाएगा, और अभी तक वहां पर जिस तरीके से आईसीसी के कुछ मेंबर्स ने वहां का दौरा भी किया पाकिस्तान को, जो कुछ सामने निकल कर आया है वहां पर, क्योंकि वहां के जो मेंबर्स वहां पहुंचे थे वो उनसे खुश नजर नहीं आए, तो 10 से 11 महीने में क्या रेनोवेशन जो है पॉसिबल है स्टेडियम्स की? इम्पोर्टेंट है कि उनका वहां पे अपना जो एक जिस हिसाब से उन्होंने एक स्टैरियो कैसे गेट टुगेदर पॉलिसी क्रिएट होगी, वह कैसे इंप्लीमेंट राइट टाइम करेंगे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये थोड़ी कतर मुल्क है कि फुटबॉल को लेकर विद इन शॉर्ट टाइम 6-6 स्टेडियम्स बनाएंगे, वहां का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी वीक है, और क्रिकेट जो है ना ये गेस्चर गेम है, वहाँ हॉस्पिटैलिटी की जरूरत है, एक मुल्क को तो नहीं जाना है, ये तो जनरल में बहुत सारे देश जाते हैं, और उन देशों को वो कैसे वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करेंगे वो भी चैलेंज है, नेशन के पास कैसा एक एग्जीक्यूशन है वो भी चैलेंज है, और ओवरऑल हम विश करेंगे कि उनके पास अगर सपोर्ट के एतबार है नेशन हमारा है वो सपोर्ट कर सकता है, बट मुझे लगता है कि काफी ये पीएसएल तो है नहीं, ये एक ऐसा लीग है ऐसा एक टूर्नामेंट है जो काफी चैलेंजफुल है, एंड आई विश कि अभी 11 महीने जो है अभी तो सालों की बात जो है जल्दी से जल्द मुकम्मल होते हैं, लेकिन ये जो 11 महीने ये क्या वो सोचने में क्या वो बोर्डिंग होर्डिंग्स क्या लगाएं ये थोड़ी उस तक है, मुझे लगता है कि काफी चैलेंजफुल है पीसीबी नेशन के लिए। दीपक, मैं आपके आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से हम बात करते हैं सिक्योरिटी को उसको भी छोड़ देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की उसकी बात भी छोड़ देते हैं और स्टेडियम्स की बात भी छोड़ देते हैं, क्या उसके अलावा वहां पर जब टीम्स वहां पर पहुंचेगी बहुत बड़ा क्रू होता है साथ में, टीम मेंबर्स बहुत होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, फिजियो भी होते हैं, तो क्या वो वहां पर रहने के लायक वो जगह होगी, क्या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर, क्या होटल्स वहां पर ऐसे हैं कि लोग वहां पर बाहरी देशों से आएंगे, खिलाड़ी आएंगे, उनके मैनेजर आएंगे, उनके साथ में उनके फिजियो रहेंगे, तो क्या पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल, जैसे चैंपियन ट्रॉफी है और चैंपियन ट्रॉफी में क्या अदर कंट्रियां पार्टिसिपेट करेंगी, और इतने देशों की जब टीमें इस पाकिस्तान में खेलने आएंगी तो वो फैसिलिटी जो है मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास वो अवेलेबल होगी, क्योंकि वहां पे अकेला टीमों ने भी आना, वहां पे ऑडियंस भी आएगी, जो खेल प्रेमी है वहां पर वो भी पहुंचेंगे देखने के लिए, तो क्या वो फैसिलिटी पाकिस्तान दे सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो
पाकिस्तान के पास वैसी फैसिलिटी अभी है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कभी कोचिंग चेंज कर दिए जाते हैं, कभी कैप्टन चेंज कर दिया जाता है, और जो ग्राउंड्स भी देखे हैं मैंने, जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो लीग चल रही थी पाकिस्तान में, तो उसमें मैंने काफी ऐसी चीजें देखी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वो चीजें प्रेफर नहीं कर रही थी कि जैसे ग्राउंड थे, इतनी बड़ी लीग चल रही है और उसमें इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड होने चाहिए। जैसे कि हमारे आईपीएल में देखिए आप, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड होते हैं, अच्छी ऑडियंस होती है, तो वहां पर मैंने उस लीग में भी वैसी फैसिलिटी दिखाई नहीं दी। वहां पर भी फॉरनर क्रिकेटर्स जितने भी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस लीग में, बट वो फैसिलिटी देखने को नहीं मिली। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उस चीज को अफोर्ड कर पाएगी और पाकिस्तान में इतनी बड़ी चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है। और अगर हो सकती है तो पाकिस्तान को ये क्लैरिफाई करना होगा कि वो इस चीज के लिए रेडी है। और करूंगा प्रदीप नंदन जी आपका, अब अहम सवाल जो है वो ये आता है, अगर पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी करवाता है अपने ही देश में, तो क्या भारत पाकिस्तान जाएगा या इस बार भी हाइब्रिड मॉडल जो है उसके तहत जो मैचेस होंगे? देखिए, जो मुझे लगता है जो हालात इस समय चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने जाएगी। और हो सकता है 11 महीने आते आते ये चैंपियनशिप ट्रॉफी दुबई या किसी जगह और जगह शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। जैसे कि मैंने पहले भी अभी कहा, ये मामला इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इतना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब भी नहीं है पाकिस्तान में कि वहां पर होटल ना हो और लॉजिस्टिक्स ना हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ ठीक है, उनकी आर्थिक हालत उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन आईसीसी हेल्प करता है उसकी, आईसीसी की हेल्प करेगा, वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो परेशान करते हैं खिलाड़ियों को भी और एजेंसीज को भी और गवर्नमेंट को भी। देखिए, ये कोई इंश्योरेंस का मामला नहीं है कि आप कोई किसी की कैजुअलिटी हो गई तो आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लेके निकल लेंगे। सवाल है कि अगर किसी खिलाड़ी को कुछ हो गया, हमारे किसी खिलाड़ी की लाइफ चली गई वहां पर सिक्योरिटी टेररिस्ट की वजह से, खासतौर से इंडियन खिलाड़ियों की, तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी। तो अगर किसी खिलाड़ी का नुकसान हो गया हमारा, तो क्या कोई रुपए की भरपाई कुछ कर पाएगी? उस समय सब सारा देश हमारा भारत का, सारी संख्या, पक्ष विपक्ष, पॉलिटिकल लीडर सब खड़े हो जाएंगे कि टीम भेजने की जरूरत क्या थी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ तो वापस नहीं आ सकती ना। आप किसी को पैसा दे सकते हैं, हम अपना प्रेशियस खिलाड़ी जो खो देंगे उसकी भरपाई कैसे होगी? परेशानी वहां पर है, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम वहां पर आसानी से जा पाएगी। हालांकि भले ही आईसीसी का इवेंट है, बायलैटरल सीरीज नहीं है और हमें आईसीसी टूर्नामेंट खेलने के लिए बाध्य है, लेकिन जो कुछ होगा उसको देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलने जाएगी। जी आबिद पठान जी, आप कुछ कह रहे थे? आप कि सर ने कवर अप किया बातों को, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। ये जो चैलेंज है, ये नेशंस का सिक्योरिटी के साथ साथ एक ऐसा भी है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स कहाँ पे कैसा है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि आईपीएल तर्ज में जितना अभी यहाँ पे प्लेयर्स को एक बूस्ट दिया जाता है, पीएसएल मतलब देख सकते हैं कि वहाँ उनका नेशन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन वो भी अभी उतने उस कामयाब तर्ज पे नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अगर अब उनके पीसीबी बोर्ड को चाहिए कि फ्रेटर्निटीज या ऐसे पीएसएल के ऑर्गेनाइजर्स का भी सपोर्ट ले, वैसे तो इम्पॉसिबल है क्योंकि आईसीसीआई किसी को इंटरफेयर करने नहीं देता है, लेकिन ओवरऑल अगर उनको अभी जरूरत है, फिर अगर चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो लोकल तर्ज पे जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनसे वो सपोर्ट ले और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द वहां पे ठीक करे। और रही बात सिक्योरिटी रीजंस की, वजह से भी काफी दुश्वारें हो सकती है और उसके लिए मुझे लगता है जैसे सर ने बोला बड़ी बात है, वो एक चैलेंज है। बिल्कुल एक्सेप्ट। जी दीपक कंपोज आपके पास आता हूं, आप बताएं किस तरीके से क्या भारत पाकिस्तान का दौरा कर सकता है, क्या कूटनीति जो है वो इसमें लाई जा सकती है? देखिए, जैसे कि प्रदीप सर ने बताया कि बहुत मुश्किल है, जैसे सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर, और बीसीसीआई भी चाहेगी कि भेजा जाए या ना भेजा जाए, तो बड़ा एक सवाल तो जरूर रहेगा इसके लिए, क्योंकि वो चीजें क्या है कि अगर कहीं ना कहीं वहां पे कुछ हो जाता है किसी ना किसी खिलाड़ी को, तो बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा बीसीसीआई को और जो मैनेजमेंट है उनको, क्योंकि जहां पर इंडिया में क्या रहता है, सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिशियंस है वो सवाल खड़ा करते हैं, जो खेल प्रेमी है वो सवाल खड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई जरूर इस पे पूरा सोच समझ कर निर्णय लेगी
और उस बेस पे वो इस टीम को, भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजेगी और इस लीग में खेलने के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता भी है कि चैंपियन ट्रॉफी बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में इस बार ऑर्गेनाइज होना, बहुत ही बड़ा जो है इशू हो सकता है। और रही बात है ये इस बार अगर दुबई में हो जाता है तो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि दुबई एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और वहां पर सब कंट्री खेलने के लिए रेडी रहती है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और दुबई के जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत ही अच्छे ग्राउंड्स हैं, अच्छी फैसिलिटी है, तो कहीं ना कहीं चैंपियन ट्रॉफी अगर आईसीसी इसका निर्णय लेती है तो दुबई में भी करवाया जा सकता है, तो वहां सेफली सभी खिलाड़ी फ्री माइंडेड वहां पे खेल सकते हैं। प्रदीप टंडन जी, एक बात और निकल के सामने आई थी, जिस तरह से मोहसिन नकवी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में क्यों ना कराया जाए, मुझे इसका कारण दे दो। नहीं, कारण अभी हम लोग वही कारण ही डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम कारण डिस्कस कर रहे हैं जी, वही सारे कारण थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना विकसित नहीं है, खिलाड़ियों की सुरक्षा का सवाल है। देखिए खिलाड़ी जो होता है वहां पर क्या है, सुरक्षा के लिए वो क्या करेंगे, उन्होंने सुरक्षा की गारंटी आपको दे भी दी तो खिलाड़ी होटल तक बंद रह होके रह जाते हैं, उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। खिलाड़ी अगर कहीं घूमने जाना चाहे रिक्रिएशन के लिए तो वो नहीं जा पाते, तो उनको होटल में एक तरह से कैद कर दिया जाता है। तो ये एक पॉइंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इसमें केवल बीसीसीआई वाला फैक्टर नहीं है, जैसे कि और अभी पैनलिस्ट कह रहे हैं आपके, उसमें खाली बीसीसीआई इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि परमिशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। बिल्कुल, बीसीसीआई तो केवल अपनी टीम भेजेगा खेलने जाने के लिए, अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं देगी, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार इन प्रेशर के आगे झुकेगी, और यही परेशानी होगी कि होगी जवाबदेही सारी सरकार की होगी उस समय, बीसीसीआई की तो होगी होगी, सबसे बड़ी शीशा लेकर सरकार की होगी कि आपने परमिशन ही क्यों दी टीम को विदेश भेजने की, तो पाकिस्तान में हो मुझे नहीं लगता। जी जी बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके से आईसीसी ने भी ये साफ किए हैं कि वो बीसीसीआई को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगी, मैं आवेद जी आपके पास आऊंगा, बीसीसीआई को बिल्कुल फोर्स नहीं करेगी आईसीसी कि वो अपनी सरकार की नीति के खिलाफ जाए। जी बिल्कुल, जाना भी नहीं चाहिए। जी आवेद जी, मैं ये सवाल आपसे रहेगा निकलते मैं भी ये कहना चाहूंगा, देखिए जी खेल एक मेल है, इस मेले में तो हर कोई जाना चाहता है, चाहे मतलब देखने वाले स्पेक्टेटर्स, खेलने वाले, लेकिन जब खेल में पहली एक थ्रेट हो, बंग जैसा हो, तो फिर इस मेले में मजा नहीं आएगा। बिलाकर हम उम्मीद करेंगे ये जो है, ये मैं समझता हूँ कि बीसीसीआई जो है अभी जय जय जो हमारे है जय अमित शाह जी, जय शाह जो है उनपे भी काफी निर्भर है, क्योंकि वो भी कहीं हद से जो करंट गवर्नमेंट है उनसे भी बिलोंग करते हैं, ये जनरल में एक चैलेंज है, फिर कैसे इस चीज को मतलब इंप्लीमेंट करे काफी चैलेंज है। मेरे ख्याल से इन 5-6 सालों में जय साहब के लिए पहली बार कोई चैलेंज आया है बीसीसीआई के द्वारा। ओवरऑल तो ये कह सकता है नेशन में काफी क्लब्स की प्रॉब्लम है, नेशन में काफी चीजें जो इंप्लीमेंट करने हैं, क्लब को इनने साइडलाइन किया है, इसके अलावा मैं कह सकता हूँ आईपीएल पैटर्न या और भी कुछ, लेकिन ये जो है ये उस देश के साथ है जो ऑलरेडी इतिहास में है कि आपस में कभी अनबन कभी दोस्ती। बिलाकर हम उम्मीद करेंगे कि भाईचारा दुनिया में हर एक जगह रहे, अगर खेल से ही रहे तो हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे खेल ही हमारा भाईचारा बने। जी बिल्कुल, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि इसको इस विषय को हम और खींचे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है एक मिनी वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद प्रदीप रंजन जी आपका भी, दीपक अम्बोज आपका भी, और आबिद पठान आपका भी। समय की सीमा है तभी हमें आपसे अलविदा लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी प्रस्तावित तो है पाकिस्तान में, अब देखने वाली बात यह रहेगी क्या ये वाकई में पाकिस्तान में होती है, और भारत और पाकिस्तान का मैच होता है अगर आईसीसी के मैचेस भारत खेलता है तो वो कहां पे खेले जाएंगे, वो हाइब्रिड मॉडल की तरह तहत खेले जाएंगे, किस तरह खेले जाएंगे, अब ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल खेलो खिलाड़ी में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।